नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे वैदिक गुरुकुल की पुनः स्थापना से हमारा और राष्ट्र की कैसे उन्नति होगी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत जब से भारत में मैकाले शिक्षा पद्धति शुरू हुई है, तब से अब तक की शिक्षा पद्धति को आधुनिक शिक्षा पद्धति कहते हैं। इस शिक्षा पद्धति को भारत में शुरू करने का एकमात्र कारण यह था कि दुनिया के अन्य सभी हिस्सों में रहने वाले लोग अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम बन गए थे, यानी उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता आसानी से स्वीकार कर ली थी। परंतु एक भारत ही था जहां उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी रही थी, क्योंकि यहाँ के गुरुकुल के आचार्य विद्यार्थियों के स्वास्थ्य बल, प्राण बल, चरित्र बल एवं विवेचना शक्ति का इतना प्रबल बना देते थे कि भारत का विद्यार्थी स्वावलंबी बन जाता था। वह अपने आचार्य के सिवाय किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता था। उसका जीवन उसके आचार्यों द्वारा दिए गए उच्च आदर्शों एवं चरित्रों के संस्कारों से ओतप्रोत होता था एवं गुरुकुल में अध्यात्म शिक्षा एवं शास्त्र, अनेक शास्त्रों के ज्ञान ये सब मिलता था, जिससे कि वो वैज्ञानिक जैसे उनकी बुद्धि पराक्रम शक्ति होती थी। तब मैकाले ने भारत में जगह जगह घूम कर देखा और पाया कि इनकी तो जीवन शैली बहुत ऊंची है और यहाँ के लोग दृढ़ चरित्र बल वाले हैं। इन्हें आसानी से अपना गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। उसने इन सब बातों पर गहरा विचार किया तो निष्कर्ष निकला कि इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो उच्च आदर्शों से संपन्न है, इसलिए हमें इसकी शिक्षा पद्धति पर ही कुठाराघात करना चाहिए ताकि ये भी हमारे गुलाम बन सके। तब सन 1835 में मैकाले ने एक रिपोर्ट तैयार करके इंग्लैंड की सरकार को भेजी, जिसमें उसने कहा था, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ अ बिगर हु इज थेफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन द कंट्री सच हाई मोरल वैल्यू पीपल ऑफ सच कैलिबर डेट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्यूर दिस कंट्री अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन विच इज़ हर स्पिरिचुअल एंड कल्चर हेरिटेज एंड देयर फॉर आई प्रपोज डैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एशियंट एजुकेशन सिस्टम हर कल्चर फॉर इट द इंडियन थिंक डैट ऑल डैट इज़ फॉरगेन एंड इंग्लिश इज़ गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन दे विल लॉस देयर सेल्फ एस्टीम देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम डैट वी वॉन्ट दैम अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। अर्थात हिंदी में जानेंगे, मैं पूरा भारत घूमा, वहाँ पर ना ही मुझे कोई भिखारी दिखा और ना ही मुझे कोई चोर मिला। मुझे किसी भी तरह से ना ही कोई धन की कमी दिखाई दी। वहाँ पर लोगों की मॉरल वैल्यू बहुत ऊँची है, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं व उनका कैलिबर इतना ज़्यादा है कि हम उन्हें नहीं जीत सकते जब तक कि हम उनकी रीढ़ की हड्डी, उनके एजुकेशन सिस्टम को ना तोड़ दें, यानी उनकी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत को ख़त्म ना कर सकें।
भारत को जीतना मुश्किल ही नहीं असंभव है। इसलिए मेरा लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव है कि उनके पुराने एजुकेशन सिस्टम व उनकी सांस्कृतिक विरासत को पहले ख़त्म किया जाए और उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि ये सिस्टम सही नहीं है। उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि इंग्लिश अच्छी है और उनके पुराने एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है, ताकि उनका स्वाभिमान आत्मसम्मान खत्म हो जाए और वे अपनी मूल संस्कृति से भटक जाए। तभी जो हम चाहते हैं वो हो सकता है, यानी तभी हम उन पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो पहले भारत में टोटल 7 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल थे, हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, जगह जगह कॉन्वेंट स्कूल खोलना शुरू किया और जितने गुरुकुल थे उनको तोड़वाना शुरू किया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत कॉन्वेंट स्कूल एवं कॉलेजों को खोला गया और उनका खूब प्रचार प्रसार किया गया, ताकि भारत के लोग शरीर से तो भारतीय रहे परंतु सोच विचार से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएं, यानी अंग्रेजों को ही अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करें। तो यह अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा पद्धति की ही देन है, जो आजकल के युवा भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को भूलकर अंग्रेजों का ही अनुकरण कर रहे हैं, अपने माता पिता व गुरुजनों का अनादर कर रहे हैं। लिव इन रिलेशन, गे सेक्स आदि कुरीतियों को अपना रहे हैं। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकांकी परिवार में परिणित हो रहे हैं। हृदय की जो व्यापकता होनी चाहिए, जिस पर एक आदर्श समाज टिका है, उस व्यापकता के स्थान पर लोग के मन बुद्धि में संकीर्णता बढ़ रही है, यानी मानव जाति कुल मिलकर पशुता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे जीवन में तनाव, खिंचाव, आपसी वैराग्य, वैमनस्य, कलह, अशांति, बीमारियां आदि दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आधुनिक शिक्षा पद्धति से अक्षर ज्ञान तो दिया जाता है, परंतु वो व्यक्ति को एक संपूर्ण मानव बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेती, वो उसे एक चलती फिरती मशीन जरूर बना देगी या फिर अक्षरस्थ एक पशु जरूर तैयार हो जाएगा, परंतु एक आदर्श मनुष्य की कल्पना आधुनिक शिक्षा पद्धति से नहीं कर सकती। आधुनिक शिक्षा पद्धति व्यक्ति को परावलंबी बना देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की निजी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी पूरा जीवन मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर बना रहता है और बाद में कंपनियों उसे कहीं जॉब से निकाल ना दे, कहीं कंपनी ना बंद हो जाए आदि आदि चिंताएं उनके मन में बनी रहती है। यानी कुल मिलकर वह व्यक्ति एक स्वावलंबी जीवन व्यतीत कभी नहीं कर सकेगा। मतलब अब समय ऐसा आ गया है कि लोग गुलाम बन कर रह गए हैं और व्यापार डर के मारे बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो हमको आत्मनिर्भर बनना होगा, हमको फिर से गुरुकुल जगह जगह खोलना होगा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वे परिपूर्ण रूप से बुद्धि शक्ति, पराक्रम शक्ति, धैर्य, वैराग्य, ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये सब उनको मिल सके। ऐसी व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए और जगह जगह गुरुकुल खुलना चाहिए, जिससे कि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। ऐसे कार्य हमको करने हैं और हमारा जो सनातन संस्कृति है वो सबसे पुरातन संस्कृति है, जिसको फिर से हमको पुनर्स्थापना करना है। उसके लिए हम सबको मिलकर, सभी हिंदुओं को मिलकर काम करना चाहिए। जय श्री राम।